हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पेश किया है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लेकर आई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभियान का ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी और मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने को कहा है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी कितनी प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी बिहार में प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं आपका इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन परियोजनाओं में पारादीप से हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर, बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 LPG बाटलिंग संयंत्र शामिल है और LPG की बढ़ती मांग को पूरा करके बाटलिंग प्लांट्स आत्मनिर्भर बिहार को सशक्त बनाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपका बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं बिहार में 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी है घर गौरैया, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रणनीतिक हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्थन में मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि यह हस्ताक्षर किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे रणनीतिक हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन में की गई कार्यवाही को गहरा करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है और 10 सितंबर 2020 को फिलाडेल्फिया में रक्षा और सुरक्षा संबंधों के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे और इंडो पैसिफिक में हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय सागर शामिल हैं, आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों ये मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएँ, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं USA के बारे में फुल डिटेल में। USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं और USA की करेंसी है US$, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसकी करेंसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
किस वर्ष पारित करके एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो कि इसको स्थापित किया गया था 2007 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर के लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का एक अवसर है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, जो कि एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। कोविड-19 महामारी के प्रसार और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लिया गया था और ऐसे वाहनों को आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों पर वाहन माना जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपका महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी इससे पहले बात किया था, आपका रिविजन हो जाएगा। ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट से 19। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चीन के किस क्षेत्र में कपास, कपड़े और कंप्यूटर पार्ट्स का उत्पादन करने वाली कंपनियों से आयात पर रोक के आदेश जारी किए हैं, जो कि यह कहाँ पर जारी किया गया है? जिंगयांग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर पश्चिमी चीन में 4 कंपनियों और एक विनिर्माण सुविधा को अपने उत्पादों को अमेरिका निर्यात से रोक दिया है और यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CPB ने उत्तर पश्चिमी चीन के जिंजियांग क्षेत्र में कपास, कपड़े और कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों से आयात पर रोक के आदेश जारी किए हैं। अमेरिका ने 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत आदेश जारी किया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आपका USA के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया था, आपका इसका भी रिविजन हो जाएगा। कैपिटल है USA की Washington DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। और USA की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें आपको, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ADB के लिए नए कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की है और राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक में नए कार्यकारी निदेशक होंगे और दोनों नियुक्तियां 3 साल की अवधि के लिए होंगी। आप ये ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसकी हेडक्वार्टर है मांडलुयांग फिलीपींस में और इसके हेड है एशियाई विकास बैंक के मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 15 सितंबर 2020 को 9 उपग्रहों को कक्षा में भेजते हुए पीले सागर में एक जहाज से ठोस प्रतिरोधक वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जो कि यह प्रक्षेपण किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चीन ने 15 सितंबर 2020 को 9 उपग्रहों को कक्षा में भेजते हुए पीले सागर में एक जहाज से ठोस प्रतिरोधक वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य ने डेवो 3
एक स्वचालित देखभाल जिसे मिशन के लिए संशोधित किया गया था उससे क्या उड़ान भरी गई। और नौ उपग्रह जिलिन वन गैफॉन 031 समूह के हैं, आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका चाइना के बारे में फुल डिटेल में, जो चाइना एक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और ये वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी युआन, आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किन स्थानों के रामकृष्ण मिशन केंद्र सफलतापूर्वक इंट्रानेट का उपयोग करके नो इंटरनेट जोन में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जो कि किन स्थानों पर हो रहा है? सोहरा और शिलोंग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक संयुक्त उद्यम में सोहरा और शिलोंग के रामकृष्ण मिशन केंद्र सफलतापूर्वक इंट्रानेट का उपयोग करके नो इंटरनेट जोन में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और HIKAI हाइब्रिड इंटरैक्टिव नॉलेज असिमिशन इनिशिएटिव की ऑनलाइन अकादमिक कक्षाएं 1 से 12 तक के लिए हैं और पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के सोहरा रामकृष्ण मिशन सेकेंडरी स्कूल में 14 सितंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका मेघालय राज्य के बारे में, जो कि मेघालय की लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीट है 1। और मेघालय का राजकीय पशु है बादलदार तेंदुआ और राज्य पक्षी है आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान है जो आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, आप ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपको मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जोड़ देने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, भारत को कितने वर्षों के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है, जो कि भारत को 4 वर्षों के लिए चुना गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 2021 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य होगा और भारत अफगानिस्तान और चीन ने कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन के लिए चुनाव लड़ा था। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान ने मतदान को जीता है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका अगले प्रश्न के बारे में, किस राज्य ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक योजना की शुरुआत की है, जो कि गरिमा नामक योजना की शुरुआत किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। बात करते हैं आपका इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 20,000 आंतरिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों सहित 1,00,000 लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। यह योजना उड़ीसा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, ये राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल, आप ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट 10 है। अगर आप दोस्तों स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले SSC रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने लगी है, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने लगी है। बता दें आपको वित्त वर्ष 2021 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था GDP 6.8% की दर से बढ़ने के साथ सुधार के शुरुआती संकेत दे रही है। मुद्रास्फीति के 5.5%
से मध्यम रहने की उम्मीद है और चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 1.1% तक सीमित होने की संभावना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में कहा है कि बांग्लादेश अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने लगी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपका एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मानलुयांग फिलीपींस में और इसके हेड है मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास और दोस्तों अपने फ्रेंड को जोड़िए इस चैनल पर, जिससे और अपनी क्लासेस काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर सकें। अगला प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन ने सितंबर 2020 में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में किसको हराकर अपने करियर की 90वीं जीत प्राप्त की है। जो कि लुइस हैमिल्टन ने वाल्टेरी बोटास को हराकर सितंबर 2020 में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। बता दें आपको, ब्रिटिश फार्मूला वन रेसर लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज टीम मेट वाल्टेरी बोटास को हराकर अपने करियर की 90वीं जीत प्राप्त की। वर्ष की इस सबसे नाटकीय रेस में एक में लैप ऑफ रेसिंग पूरी होने से पहले 6 कारें क्रैश हो गईं और अपनी 90वीं जीत के बाद हैमिल्टन माइकल सुमाकर के सर्वकालिक रिकॉर्ड से एक कदम पीछे हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है। जो कि मतदान किया गया है इसराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसराइल के मंत्रिमंडल ने दूसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए मतदान किया है। यह एक उग्र कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने का प्रयास है, जिसमें देखा गया है कि संक्रमण एक दिन में 4000 से अधिक है और दूसरा लॉकडाउन आदेश व्यापार जगत में आर्थिक अवरोधन और शक्तिशाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय की चेतावनी दोनों के बावजूद दिया गया था। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं इसराइल के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी में और यह रिगार्डेड है बाई ज्यूस क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज द बिब्लिकल होली लैंड और यहाँ पे मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलम में और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की करेंसी है न्यू सेकल, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना विजय रथ अभियान शुरू किया है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द कोरोना विजय रथ कैंपेन। तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।